22 अगस्त 2015 की रात कैप्टन दीपेश मेहरा की अगुवाई में पैरा स्पेशल फोर्सेस की स्पेशल टीम खुरमुर गांव में घात लगाकर बैठी थी। खुरमुर नॉर्थ कश्मीर के हंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का एक गांव था। कैप्टन दीपेश और उनकी टीम को इंटेलिजेंस से खबर मिली कि 3 आतंकी एलओसी को क्रॉस करके आने वाले 6 आतंकियों को रिसीव करने वाले थे। टीम को अचानक 6 परछाइयां दिखी। 3 लोग हाथों में AK-47 और कंधों पर भारी बैग्स लिए हुए उनकी ओर आगे बढ़ रहे थे। टीम के पास नाइट विजन कैमरास थे, पर जंगल इतना गहरा था कि ठीक ठाक दिखाई नहीं दे रहा था। स्पेशल फोर्सेस को कठोर निर्देश होते हैं कि बिना कंफर्म किए सामने वाले पर गोली नहीं चलाएं, क्या पता सामने वाला कोई भी हो सकता है। इसके लिए स्पेशल फोर्सेस को चैलेंज प्रोटोकॉल को फॉलो करना होता है। इसके तहत सामने वाले सस्पेक्ट को चिल्लाकर उनकी आइडेंटिटी पूछनी होती है। यह स्पेशल फोर्सेस के ऑपरेशन का एक बड़ा डेंजरस प्रोटोकॉल है। अब दोनों के बीच महज 10 मिनट की दूरी थी। जब फोर्स ने आवाज लगाई तो सामने से जवाब ना आकर क्रॉस फायरिंग आ गई थी। टेररिस्ट लगातार दनादन गोली दाग रहे थे। एक गोली कैप्टन मेहरा को लग जाती है, पर अंधेरे में पता नहीं चल पा रहा था कि घाव कितना खतरनाक है। जब हंदवाड़ा में ये लड़ाई चल रही थी, ठीक उसी वक्त स्पेशल फोर्स के उधमपुर हेडक्वार्टर में 4 पैरा कमांडोज अपने मिशन के लिए तैयार हो रहे थे। इस टीम के 4 लोगों में से 2 लोग थे लांस नायक मोहन नाथ गोस्वामी और मेजर अनुराग कुमार। 4 लोगों की टीम अपनी गाड़ी में देर रात निकली ही थी, तभी उनके वायरलेस पर एक मैसेज आता है, मेरा साहब को गोली लग गई है। यह मैसेज खुरमुर से था। लांस नायक गोस्वामी ने अपने साथियों से कहा, मेहरा साहब घायल हो गए हैं, वहीं पर चलते हैं। मेजर कुमार जो कि इस ग्रुप के लीडर थे, उन्होंने कहा अचानक वहां जाना ठीक नहीं होगा, पर लांस नायक गोस्वामी ने कहा कि अगर हम वहां नहीं पहुंचे तो हमेशा इस अफसोस में रह जाएंगे कि मेहरा साहब को बचाया जा सकता था। ये बातें अभी चल ही रही थी कि खबर मिली खुरमुर में उन आतंकियों के पास हैवी मशीन गन है। ये बेहद और पावरफुल मशीन गन थी। कमांडोज के लिए इनका सामना करना बेहद नामुमकिन था। साथ ही ये खबर मिली कि कैप्टन मेहरा का हेडक्वार्टर से संपर्क भी टूट चुका है। इतना सुनते ही मेजर कुमार और लांस नायक गोस्वामी की टीम ने अपनी गाड़ी घुमाई और चल पड़े खुरमुर की ओर। जब ये टीम खुरमुर से 200 पॉइंट की दूरी पर थी, तब लांस नायक गोस्वामी ने गाड़ी की हेडलाइट बंद करने के लिए कहा, मगर तब तक आतंकियों ने उन्हें स्पॉट कर लिया था। अब टीम की तरफ ताबड़तोड़ गोलियां आ रही थी, लेकिन चालाक चारों कमांडोज गाड़ी से कूदकर धरती पर रेंगने लगे। लांस नायक गोस्वामी हमेशा की तरह आगे बढ़कर टीम को संभाल रहे थे। अब कमांडो की टीम टारगेट से महज 20 मीटर की दूरी पर थी। कमांडोज पेड़ के पीछे कवर लेकर बैठ गए। दूसरे शोर पर 10 मीटर की दूरी पर मेहरा की टीम आतंकियों से लोहा ले रही थी, लेकिन दोनों टीमों की लोकेशन एक दूसरे से अनजान थी, क्योंकि अंधेरा घना था। यह भी खतरा था कि कहीं आपस में ही गोलियां ना चल जाएं। ऐसे में लांस नायक गोस्वामी रेंगते हुए मेजर कुमार के पास पहुंचे और मेजर को कहा कि आप फ्लैश लाइट से कैप्टन मेहरा की टीम को हमारी लोकेशन का पता दीजिए। मेजर कुमार ने फिर लांस नायक गोस्वामी को समझाने की नाकाम कोशिश की, मगर लांस नायक गोस्वामी ने कहा कि आप फ्लैश लाइट दीजिए, पेड़ हमें कवर दे रहे हैं। जैसे ही फ्लैश लाइट को ऑन किया तो फिर आतंकियों ने मशीन गन से हैवी फायरिंग शुरू कर दी थी। यह फायरिंग आमने सामने की फायरिंग थी। इसी बीच एक आतंकी को लांस नायक गोस्वामी ने मार डाला था। दोनों टीमें आपस में मिल चुकी थी। लांस नायक गोस्वामी ने मेजर मेहरा को अपने कंधे के सहारे उस एरिया से बाहर निकाल कर ले गए।
तब तक बाकी दो आतंकियों का भी खात्मा कर दिया था। इस तरह इस सक्सेसफुल मिशन का भी खात्मा हो गया था। अभी पिछले ऑपरेशन को खत्म हुए दो दिन भी नहीं हुए थे कि अगले ऑपरेशन की घंटी बज गई थी। तारीख थी 26 अगस्त। 5 पाकिस्तानी आतंकी उरी सेक्टर से एलओसी क्रॉस कर इंडियन टेरिटरी में आ जाते हैं। उरी सेक्टर किसी भी इंसान के लिए सबसे मुश्किल रास्तों में से एक है, और फिर धीरे धीरे उन पहाड़ियों को पार करते हुए कश्मीर के इलाके में घुस आए थे। इनका सीधा मुकाबला था इंडियन आर्मी की 35 राष्ट्रीय राइफल से। यहीं पर एक आतंकी मारा जाता है। बाकी के 4 आतंकी पहाड़ियों में झाड़ियों का सहारा लेते हुए भाग निकलने में कामयाब हो जाते हैं, और फिर तुरंत ही कमांडिंग ऑफिसर ने ड्रोन से उन्हें तलाशने का प्रयास किया। रात भर आसमान में उनकी तलाश को जारी रखा। फाइनली सुबह के समय बारामूला की ओर कुछ फुटेज दिखाई देते हैं, और फिर बारामूला की उन भयानक गुफाओं में वे कहीं छिप जाते हैं, और फिर 12 कमांडोज को उन्हें ढेर करने के लिए बारामूला की उन गुफाओं के आसपास उतारा गया। इसी टीम में शामिल थे लांस नायक मोहन नाथ गोस्वामी। इस ऑपरेशन को नाम दिया था लीडर पंजाल। एक तरफ 12 कमांडोज थे तो दूसरी तरफ चुनौती भरी 4000 मीटर की ऊंची पहाड़ियां। ऑक्सीजन लेवल की बेहद कमी थी, ज्यादातर झरने जमे हुए थे। दिन भर की ट्रैकिंग के बाद आखिरकार टीम उस जगह पहुंच गई थी जहां पर आखिरी बार आतंकी दिखे थे। इस बार भी लांस नायक गोस्वामी सबसे आगे चल रहे थे। जैसे ही आतंकियों के पद चिन्ह मिले तो फिर उनके सहारे सारे टीम आगे बढ़ने लगी। ग्रुप कैप्टन कुमार ने अपनी टीम को 2 भागों में बांट दिया था। 6 लोगों की टीम जो पहाड़ों पर चढ़ रही थी, वहीं दूसरी टीम समतल रास्ते के जरिए आगे बढ़ रही थी। करीब 1 घंटा बाद एक बड़े पत्थर के पीछे एक परछाई दिखती है, और इस तरह दोनों टीमें आपस में कम्युनिकेशन करती है, और फिर थोड़ी देर में क्लियर हो जाता है कि इसी गुफा में आतंकी छुपे हुए हैं। लांस नायक गोस्वामी काफी आगे निकल गए थे और उन्होंने बेहद करीब जाकर उन आतंकियों को चुनौती दे डाली। इस बार भी लांस नायक का तीर खाली नहीं गया था। उन्होंने अपने कैप्टन को कहा, सर जी, एक को तो नेस्तनाबूद कर दिया है, बाकी 3 को संभालना है। गुफा को चारों तरफ से घेर लिया था, मगर तब तक रात हो गई थी, लेकिन दूसरी तरफ से कोई हरकत नहीं थी। तभी टीम ने निर्णय लिया, आतंकियों को बताना जरूरी है कि वे पूरी तरह घिर चुके हैं, उनके पास सरेंडर के अलावा कोई चारा नहीं है। तब 2 रॉकेट उनकी गुफा की ओर दागे। तभी अचानक 2 आतंकी गुफा से बाहर आ गए थे। लांस नायक गोस्वामी इसी का इंतजार कर रहे थे। पलक झपकते ही उनकी पिस्टल से 2 गोलियां चल गई थी। दोनों आतंकी वहीं ढेर हो गए थे। दोस्तों, जब भी पैरा कमांडोज का नाम लिया जाता है तो दुश्मनों में खौफ पैदा हो जाता है। पैरा कमांडोज जो ठान लेते हैं उन्हें किसी भी दम पर पूरा करने का हौसला रखते हैं। इंडियन आर्मी के ऐसे ही जांबाज पैरा कमांडोज सरहद की आन बान और शान में रात दिन लगे रहते हैं। एक लाइक उन पैरा कमांडोज के लिए जो घर से दूर रहते हुए भी घर की रक्षा करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।